हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नमक पारे की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। नमक पारे बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: 2 कप मैदा, 1/4 कप तेल, 1 टीस्पून अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। सामग्री हमने चेक कर ली है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा को डाल लीजिए, साथ में इसके अजवाइन, काली मिर्च और साथ में स्वाद अनुसार नमक। और अब साथ में ही हमें 1/4 कप तेल भी डाल देंगे। तेल भी डल चुका है। अब सभी सामग्रियों को हाथ की सहायता से अच्छी तरह से इस तरह से उंगलियों के बीच में रब करके मिला लेंगे। तो आप हाथ में थोड़ा सा आटा लीजिए और उसे इस तरह से मुट्ठी में बंद करके चेक कर लीजिए। ये देखिए, अगर ये बाइंड हो रहा है तो तेल बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर ये बाइंड नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा तेल और डाल लीजिएगा। अब इसका हम एक आटा लगाना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक फर्म आटा लगाएंगे, ना ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ज्यादा नरम। आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है, और ये ज्यादा सख्त भी नहीं है और ज्यादा नरम भी नहीं। इसे अब ढककर हम 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं आटे को। और ये देखिए, आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे हम एक बार दोबारा गूंथ लेंगे और इसकी अब मीडियम साइज की बॉल्स बना लेंगे। सबसे पहले मैं इस तरह का एक लंबा लॉग बना लूंगी इसका, और इसके बॉल्स तोड़ लूंगी और इसे राउंड में कर लेते हैं। बॉल्स बना के तैयार कर ली है। अब इसके हम नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। एक बॉल ले ली है, इसे हम बेल लेंगे। ज्यादा पतला भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा मोटी भी नहीं। इसे हमने बेल लिया है और ये देखिए, ये ज्यादा पतली भी नहीं है और ज्यादा मोटी भी नहीं है। और इसे आप अपनी मनपसंद की शेप में काट लेंगे। सबसे पहले इसे मैं इस तरह से लंबा लंबा काट लूंगी। लंबे काटने के बाद इसे हम तिरछा काट लेंगे, ताकि ये डायमंड की शेप में बन जाए। और इन्हें चाहे तो अब आप प्लेट में निकालकर रख सकते हैं और सारे बनाकर एक साथ फ्राई कर सकते हैं। और अगर आप प्लेट में रख रहे हैं तो इन्हें कवर करके रखिएगा, अगर ये सूख गए तो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और चाहे तो डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं। मैं इन्हें डायरेक्टली फ्राई कर रही हूँ, इसलिए प्लेट में नहीं निकाल रही हूँ। नमक पारे के लिए तेल को गरम कर लिया है। इसका तेल मीडियम गरम होना चाहिए, और हम छोटी सी एक बॉल डालकर देख लेंगे। तो ये देखिए, ये डालते ही ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर डालते ही ऊपर आ रही है, मतलब तेल हमारा ज्यादा गर्म है। अभी तेल बिल्कुल परफेक्टली गर्म है। इसकी फ्लेम आप लो मीडियम कर दीजिए और इसके अंदर धीरे धीरे करके नमक पारे डाल दीजिए। कुछ नमक पारे डाल दिए हैं, इन्हें कुछ मिनट के लिए इसी तरह से रहने दीजिए। 2 से 3 मिनट बाद हम इन्हें पलट लेंगे, और ये देखिए, हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। अब इन्हें हम बीच बीच में पलट कर हल्का सा क्रिस्प होने तक इन्हें सेक लेंगे। फ्लेम आपको इसकी मीडियम लो ही रखनी है। अगर ज्यादा तेज कर लेंगे तो ये बाहर बाहर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, इनके ऊपर अच्छा क्रिस्पी कलर आ चुका है। इन्हें हम तेल से निकाल लेंगे। छलनी में कुछ सेकंड पकड़ के रखिए, ताकि एक्स्ट्रा तेल आसानी से निकल जाए। और इसे अब हम एक किचन टॉवल पर या टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। एक बैच के नमक पारे हमने फ्राई करके रख लिए हैं। इसी तरह से हम सारे नमक पारे फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। सारे नमक पारे हमने फ्राई करके रख लिए हैं। इन्हें आप रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा कर लीजिए, और फिर इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे शाम के नाश्ते की तरह या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी नमक पारे की रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी इंग्लिश रिटर्न और हिंदी रिटर्न रेसिपी चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट के पेज पर विजिट करें, जो कि ashnafood.com। वहां पर आपको रिटर्न रेसिपी विद रेसिपी नोट्स विद स्टेप टू स्टेप पिक्चर मिल जाएगी। टिल देन, बाय बाय।